Dear friends, once again welcome. In this lecture, we are going to talk about the two common techniques for computing the internal forces in truss. So these are method of sections and method of joints. And the method of joints कहाँ पे यूज करना है, जहाँ पे सपोज हमें सारे मेंबर्स के फोर्सेस फाइंड आउट करने हो और द मेनी फोर्स मेंबर्स सपोज आर गोइंग टू फाइंड आउट. ओके, एंड मेथड ऑफ सेक्शंस कहाँ पे करना है, जहाँ सपोज लार्ज स्ट्रक्चर है अपने पास एंड सम लिस्ट मेंबर्स फोर्सेस वी हैव टू फाइंड आउट, उसमें से कुछ ही फोर्सेस को फाइंड आउट करने हैं, देन वी हैव टू अप्लाई मैथड ऑफ सेक्शंस. ओके, सो लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट द मैथड ऑफ जॉइंट्स. ओके, सो रिगार्डिंग प्रोसीजर फॉर मैथड ऑफ जॉइंट्स, सो आई एम गोइंग टू सिंप्लीफाई इट, जस्ट रीडिंग इट एंड गोइंग टू सिंप्लीफाई व्हाट आर द टर्म्स, व्हाट मे बी द वेरियस टर्म्स, डिफिकल्ट टर्म्स in world. Okay, so first one, force simply supported truss. Okay, consider the free body diagram of entire truss. Applying condition of equilibrium, find support reactions. Okay, so ये जो first है ये क्या बोल रहा है कि फर्स्ट सिंपली सपोज एक एग्जांपल ले रहे हैं, सिंपली सपोर्टेड बीम एस्ट्रस की बात है. सिंपली सपोर्टेड में क्या होता है, एक हिंज होता है एंड एक एंड पे रोलर्स, ये ठीक है, और ये आपका सपोज स्ट्रक्चर है एंड दिस इज द वन मीन्स ये आपका ट्रस है. ओके, सो कंसीडर द एफबीडी. एफबीडी क्या है, एफबीडी मींस वी टॉकिंग अबाउट फ्री बॉडी डायग्राम. ओके, ऑफ द एंटायर ट्रस, ठीक है, इसमें सपोज कुछ फोर्स एक्ट कर रहा है, ये फोर्स हो गया आपका सब एफ. ओके, सो व्हाट इज सेइंग, कंसीडर द एबीडी ऑफ एंटायर ट्रस. तो एबीडी इसका कैसे बनाएंगे, ये आपका ट्रस हो गया. ओके, एंड एफ बीडी ऑफ द ट्रस of this. Okay, so क्या करेंगे, इसको मैं स्केलिंग कर रहा हूँ छोटा सा लाइक दिस. ओके, एंड यहाँ पे आप रिएक्शन शो करेंगे, एक का वर्टिकल रिएक्शन हो गया, एक का हॉरिजॉन्टल रिएक्शन हो गया. सपोज ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है. ओके, सो इट इज ए बी एंड सी, सो यहाँ पे फोर्स एफ एंड यहाँ पे एट जॉइंट ए टू रिएक्शंस आ गया, एट बी वन रिएक्शन. ओके, सो फ्री बॉडी डायग्राम मतलब क्या है, आपको सपोर्ट्स को निकाल देना है, यू हैव टू रिमूव द सपोर्ट्स एंड इंस्टेड ऑफ दैट यू हैव टू शो द फोर्सेस. ठीक है, जैसे हिंज से कितने सपोर्ट रिएक्शंस मिलते हैं, दो रोलर से कितने मिलते हैं, वन. ओके, सो दैट्स व्हाई फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं. And then applying condition of equilibrium. So there are three equilibrium conditions.
ठीक है, तो एट ए टाइम देयर मे बी रिक्वायरमेंट ऑफ दिस फर्स्ट वन, समेशन ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, या तो ये दोनों से ही आपको सपोर्ट रिएक्शंस मिल जाए, और सपोज उससे नहीं मिल रहा है देन वी हैव टू गो टू वी हैव टू गो फॉर द थर्ड वन, समेशन ऑफ एम इज इक्वल टू जीरो, एंड दिस इज टू फाइंड सपोर्ट रिएक्शंस। तो फर्स्ट पॉइंट से आपको समझ में आ गया होगा, तो इसमें क्या करना है, ट्रस इज लोडेड मीन्स एक्सटर्नल लोड्स आर देयर एंड सपोर्टेड, सो फर्स्ट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड आउट द सपोर्ट रिएक्शंस। सो हाउ टू फाइंड आउट, तो क्या करना है आपको, एफ बी डी बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाने हैं, और एफ बी डी मीन्स क्या है, आपको सपोर्ट्स को हटा के दिखाना है, ठीक है, लाइक दिस वे, देन यू हैव टू अप्लाई द इक्विलिब्रियम कंडीशंस, देन वी विल बी एबल टू गेट द सपोर्ट रिएक्शंस। ओके, नाउ द सेकंड स्टेप, कंसीडर द फ्री बॉडी डायग्राम of joint from the truss at which not more than two members with unknown force exists. इस पॉइंट का क्या मतलब है, consider the IPD of joint from the truss at which not more than two members with unknown force exists. तो इसका मतलब क्या है, देखिए हमारे पास equilibrium conditions कितने हैं, इक्वेशंस कितने हैं, थ्री है, ओके, सो इसलिए बोल रहा है कि दो अननोन्स होने से हम इजली ऐसा मीन्स ज्वाइंट सेलेक्ट करना है। सपोज इसी में हम देखें, ए ज्वाइंट ए हो गया, या बी हो गया, या सी हो गया, ठीक है, अब इसी में हम एक मेंबर यहाँ पे डाल देते हैं, ये हो गया, एंड वी गिविंग नेम इट डी, जॉइंट डी। सो इसका कहने का मतलब ये है कि आप ऐसा मीन्स पॉइंट सेलेक्ट करें, जॉइंट सेलेक्ट करें जहाँ पे दो फोर्स मेंबर हो, नॉट मीन्स नॉट मोर देन टू मेंबर्स, ओके, सो लाइक सी पे हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर, सो दिस वन 1, 2, 3, so at DP what about same 1, 2, 3, what about A, so this one and this one similarly at joint B, तो either हम A को select करेंगे या B को select करेंगे सबसे पहले, ताकि जो unknown forces हैं वो हमें मिल जाए। The third point assume the members to be in tension or compression by simple inspection and applying condition of equilibrium to find the answers. So इसके लिए क्या है कि I'm taking example of suppose here, here. So क्या करना है आपको, लिखना है applying equilibrium condition 8 joint suppose C, okay, और C पे आप देख सकते हैं how many forces are there, so this one F1 and this one and this one and this one, okay, and
नेक्स्ट कंक्लूजन कहा हो सकता है कि इसको हम टेंसाइल के रूप में शो करें या कंप्रेसिव फोर्स के रूप में शो करें। क्या करें इसको सबको इनिशियली यू कंसीडर टेंसाइल फोर्सेस। ओके सो दिस पॉइंट द थर्ड पॉइंट इज रिगार्डिंग टू दैट अज्यूम द मेंबर टू बी इन टेंशन और कंप्रेशन। ठीक है तो या सबको टेंशन के रूप में करें या सबको कंप्रेशन के रूप में करें। उसके बाद जो भी कैलकुलेशंस में आएगा पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू सपोज आपने टेंसाइल के रूप में शो किए हैं। ठीक है लेकिन फोर्स आ रहे हैं माइनस विद तो माइनस वैल्यू तो मतलब क्या है ये कंप्रेशन है। ठीक है तो इन दिस वे यू कैन मींस गेट द आंसर्स unknown forces. Fourth one, the assumed sense can be verified from the obtained numerical results. The same thing it is saying a positive answer indicate that the sense is correct. आपने suppose tensile force के रूप में tension के रूप में show किए हैं where a negative answer indicates that the sense shown on the FBD must be changed. Okay, next point. Select the new FBD of joint with not more than two unknowns in the member and repeat पॉइंट्स 3, 4, 5 फॉर कंप्लीट एनालिसिस। ठीक है आपने एक जॉइंट सेलेक्ट की उसके बाद कुछ अननोन्स के वैल्यूज मिले फिर आपको प्रोसीड करने हैं हो सकता है नेक्स्ट मेंबर्स का फोर्सेस फाइंड आउट करने हैं। ठीक है तो वैसे करके जहाँ पे आपका दो से ज़्यादा अननोन्स ना हो उस पॉइंट को उस जॉइंट को सेलेक्ट करें और ऐसे आगे बढ़ते जाएँ then you will be able to get all the answers. Okay. At 6th, very important point, tabulate the answer representing the member magnitude of force and the their nature. So, इसको समझ सकते हैं, if any given example is there, yeah, in this way you can see here the results are tabulated as follows. So first row indicates members, second force means magnitude, then third one nature means a tensile or compressive. So at the last in this way you have to write. So in this way I'm going to conclude the method of steps involved in method of joints. तो सबसे पहले क्या करना है आपको एफ बी डी बनाने हैं सपोर्ट रिएक्शंस को हटाने हैं उसके बदले फोर्सेस शो करने हैं देन रिएक्शंस फाइंड आउट करने हैं सेकेंड फिर उसके बाद क्या करना है आपको सभी मेंबर्स के इंटरनल फोर्सेस यू हैव टू फाइंड आउट। तो ऐसा जॉइंट सेलेक्ट करना है जहाँ पे दो से ज़्यादा अननोन फोर्सेस ना हो। ठीक है और उसके बाद फिर क्या करना है उसको देख के आपको जो सारे जो भी मेंबर्स हैं उसको टेंशन ग्रुप में शो करना है मींस ज्वाइंट से दूर जाते हुए कमिंग आउट फ्रॉम द ज्वाइंट। फिर न्यूमेरिकल वैल्यूज सॉल्व करने पे अगर पॉजिटिव आता है देन हमने जो डायरेक्शन एज्यूम किए हैं वो करेक्ट है अगर नेगेटिव आता है मीन्स आपका एफबीडी में आपका जैसे आपका टेंसाइल है तो वो कंप्रेसिव हो जाएगा। ठीक कंप्रेसिव है तो टेंसाइल हो जाएगा। ओके देन
हमें हो सकता है सारे इंटरनल फोर्सेस फाइंड आउट करने हो, तो देन नेक्स्ट जॉइंट फिर से सेलेक्ट करना है, क्राइटेरिया वही है. और इन दिस वे एट द लास्ट टेबलर फॉर्म में शो करने हैं द रिजल्ट्स. विद दिस थैंक यू.